अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे हिल पार्क के करीब और ये बेंगलोर है 1200 पे जो रेंट सेल और क्या नाम है किराए के लिए दस्तियाब है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये इंटर होते ही जो यूज एक पार्किंग है इसके अंदर काफ़ी बड़ी, और इसके अलावा ये इसका गार्डन भी है। मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाता हूँ। और ये इसका एक जहाँ पे मोटर वगैरह रखी हैं ये स्टोर है, ये इसका गार्डन है। ये बेंगलोर जो है 1290 गज पे है और ये रेंट सेल पे दोनों पे रिक्वायर्ड है। कमर्शियल रेंट के लिए भी देना है और रिहाइश के लिए भी। इसका रेंट जो है मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ कि प्रॉपर इसका गार्डन है, इसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर और सब चीज़ें हैं, देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी कंडीशन में प्रॉपर ये इसकी जो है मेन एंट्रेंस है। दरवाज़ा खोल रहा है, दरवाज़ा बंद है। ये एंटर होते साथ ही एक लॉबी है, लॉबी के साथ ये पहला बेडरूम जिसके अंदर अभी फिलहाल सामान पड़ा हुआ है जो बाद में उठा लिया जाएगा। इसके साथ ये एक कॉमन वाशरूम है छोटा, और ये सामने दूसरा बेडरूम आ गया। एक्चुअली ये जो है ड्राइंग डाइनिंग के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है सारा, और आप देख सकते हैं ये ड्राइंग है और वो सामने इसकी डाइनिंग है। ये डाइनिंग से भी रास्ता है लाउंज का, और ये लॉबी से भी है। ये जो एंट्रेंस है ये बाहर से भी ऊपर की ओर अंदर से भी है। ये इसका किचन है, इसकी लाइट शायद लाइट है, लाइट है। ये इसका किचन देख सकते हैं आप, माशाल्लाह किचन बहुत ही नाइस बना हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे रिहाइश के भी काबिल है। और ये इसका आ गया लाउंज, लाउंज के साथ इन्होंने गार्डन का भी रास्ता इसके साथ ही। एक बेडरूम ये है जिसके साथ के स्टोर है जी। और ये रास्ता जो है इसका ये पार्किंग की तरफ से निकलता है, पीछे सर्वेंट क्वार्टर और गार्ड रूम वगैरह भी हैं। अब दोबारा हम लोग आ गए ये लाउंज में, लाउंज को आप देखें, और ये लॉबी है। लॉबी के पीछे भी आई थिंक शायद तीन बेडरूम हैं, एक बेडरूम ये और ये कबर्ड्स वगैरह हैं, और ये इसका वॉशरूम है, इसकी लाइटें हैं, इसकी लाइटें हैं अंकल, ये इसकी लाइट अभी मैंने जलाई है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये कबर्ड्स वगैरह हैं सारे, और इधर से भी रास्ता है, और ये लॉबी से भी एक रास्ता है। ये मास्टर बेड है, और इसके साथ ये वॉशिंग एरिया है यानी कि वॉशरूम है, और ये कबर्ड्स वगैरह हैं सारे। और इसकी भी लाइट देखते हैं हम, जल गई है। और ये इसका एक वॉशरूम है। अच्छा जी, ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर टोटल, और अब हम आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जो कि लाउंज से भी इसका रास्ता निकलता है यानी कि किचन के बराबर में,
ये एरिया देखें, ये सारा टेरिस मैंने आपको सॉरी लॉन पहले दिखाया। ये रास्ता बाहर कार पोच की तरफ से भी आता है। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। आई थिंक ये पीछे वाला पोर्शन, ये एंटर होते साथ ही एक बहुत ही बड़ा लाउंज, लाउंज के आगे जो है ये लाउंज आ गया। ये एक शायद एक छोटा किचन है ऊपर के हिसाब से, रिहाइश के लिए बहुत मौजूद है और कमर्शियल बेसिस के लिए। ये रास्ता उसके साथ ही आता है और ये स्टोर है या स्टडी रूम होगा, इसके साथ भी इन्होंने एक वॉशरूम दिया हुआ है जो कि नॉर्मल है। हाँ वो वापसी पे कर लेते हैं। और ये हम आगे बैक साइड पे, यहाँ पे भी तीन रूम है आई थिंक, माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज है। ये है इसका मास्टर बेडरूम और ये इसका इन्होंने स्टोर प्लस कबर्ड प्लस वॉशरूम। आप ये देख सकते हैं कि कबर्ड कितने लगे हुए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। और इसका ये वॉशरूम चेक करें आप, इसकी लाइट इस तरफ ये डब्ल्यूसी लगा हुआ है, ये चीज़ लगा हुआ है इसके अंदर। और वॉशरूम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ इन्होंने। और ये वॉशिंग एरिया है, शावर वगैरह। ये मास्टर बेड के साथ है और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है ये कबर्ड्स हैं, स्टोर कह सकते हैं आप इसको। इसका रास्ता जो है लाउंज में भी खुलता है। इस रूम को चेक किया था ना हमने, ये भी एक बेडरूम प्लस स्टडी है, इसके साथ भी वॉशरूम है। कम से कम भी 14 से 15 रूम है और कम से कम भी इसके वॉशरूम हैं 8 से 10 वॉशरूम हैं। तो ये इसका कंप्लीट सर्वे के साथ, अब इसका टेरेस का हिस्सा रह गया जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सीढ़ियों से भी इसका रास्ता है टेरेस का और यहाँ से भी है। कुंडी लगी, ये इन्होंने एक शायद बैठक नुमा कोई मामलात हैं इस तरह के। और फाइनली ये इसका टेरेस आ गया है जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, एक से जगह है। और ये कंप्लीट इसका, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे अकाउंट पे। और इसका जो रेंट है ये तकरीबन, अच्छा दो टंकियाँ ऊपर पानी की भी है और एक नीचे भी है। और आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो क्या नाम है, रेंट के हिसाब से रेंट इनका ये कमर्शियल मांग रहे हैं 12 लाख रुपए, और अगर रिहाइश के लिए लेंगे तो 8 लाख रुपए। और ये बेंगलोर सेल पे भी है जो तकरीबन इसकी डिमांड है 30 करोड़ रुपए। और जो भी अगर इसको विज़िट करना चाहे या कांटेक्ट करना चाहे तो यूट्यूब चैनल पे जाके इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा अपना। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है मज़ीद आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी।